इस बीच बुलेटिन में बड़ी खबर आ रही है। एसीबी जयपुर टीम बता दें, टीम की सीकर जिले में कार्यवाही, पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर ट्रैप हुआ। वहीं एसीबी ने विजय मीणा को 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बता दें कि एनओसी देने की एवज में मांगी थी घूस। एसीबी एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह ने कार्यवाही को अंजाम दिया, साथ में क्लर्क मयंक भी ट्रैप हुए हैं। बता दें कि परिवादी ने लिया था मुद्रा लोन और इसे सेटल करने की एवज में मांगी घूस। सीकर के अजीतगढ़ में हरदास का बास पीएनबी बैंक शाखा में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आपको बता दें एसीबी लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है और ऐसे में कई अधिकारी इनकी जद में जा रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है ताकि ऐसे रिश्वतखोरों पर काबू पाया जा सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, पूरा मामला क्या है? ये परिवादी है जिसका मुद्रा लोन लिया हुआ था और उसके बाद में इसके जो है एनओसी जारी करनी थी, उस एवज में जो है बैंक मैनेजर जो है विजय मीणा और बैंक दोषी है बाबू, इन्होंने 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत परिवादी ने जयपुर एसीबी में की थी और जयपुर एसीबी के एसपी पुष्पेंद्र सिंह ने आज जाल बिछा करके पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और 5,000 रुपए की रिश्वत लेते बैंक मैनेजर को बैंक परिसर में ही ट्रैप किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, उनके घरों की तलाशी की कार्रवाई भी एसीबी द्वारा की जाएगी। अशोक, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।